नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। देवास में प्रशासन ने पूरे जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर 20,000 लोगों का लक्ष्य रखा था, जिसको लेकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिला चिकित्सालय में हो रहे कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण किया। वहीं प्रशासन ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण का लक्ष्य दिया था कि मतदाता सूची के अनुसार जिन लोगों की उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, उनको टीकाकरण स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाए। प्रशासन अभी तक 2 से 30,000 लोगों को एक दिन में कोरोना टीकाकरण करवा पा रहा है। प्रशासन ने शनिवार शाम तक 20,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा था, जिसको लेकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जनता से भी अपील की है कि दोबारा से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। देवास जिले में भी शनिवार को 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इंदौर और उज्जैन में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोरोना से बचना है तो पहला, अगर आप वैक्सीनेशन की पात्रता है तो टीका लगवाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन करवा भी लिया है तो फेस मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कर्फ्यू जैसे शब्द शहर के 4 बड़े शहरों में लिए हैं, जहां प्रशासन ने रात्रिकाल कर्फ्यू लगाया है। देवास में 10 बजे बाजार की दुकानें बंद हो रही हैं और सुबह 6 बजे के बाद ही खुलती है। साथ ही कलेक्टर ने आह्वान किया है कि सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ अव्यवस्थाएं भी देखी मेरे ख्याल से, और आपके सामने है भी कुछ बुजुर्गों का विशेष शिविर है, क्या मांगते हैं इस चीज को? प्रमुख रूप से हमने पूरे जिले के लिए आज ये लक्ष्य रखा था कि हम एक साथ 20,000 लोगों को टीकाकरण कराएंगे, और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको हमने लक्ष्य दिया था कि मतदाता सूची के अनुसार जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको निकटतम अपने स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएँ और उनको टीकाकरण की कार्रवाई करें। बहुत अच्छा रिस्पांस आज पब्लिक का देखने को मिला है। सामान्यतः इसके पहले हम एक दिन में 2 से 3,000 लोगों को कर पाते थे, क्योंकि लक्ष्य हमने बहुत बड़ा अपने लिए कर लिया है आज 20,000 लोगों को टीकाकरण करने का। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना एक प्रक्रिया अलग प्रोसेस में समय लगता है, वैक्सीनेशन करने में बहुत समय नहीं लगता। अभी मैंने यहाँ देखा लोगों की लाइन ज़्यादा हो रही थी, तो 2 और सिस्टम लगवा के रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स बढ़ाए हैं। और केवल यही नहीं, बाकी जिले के अन्य छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी भीड़ काफ़ी हो रही है, वहाँ भी एक एक अतिरिक्त जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाया गया है। मेरे समझ से हम इसको दिलीप साहब को 5 बजे तक वैक्सीनेशन होता है, कोशिश करेंगे कि 7-8 बजे तक आज जो 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा उसको पूरा करें। सर, एक बार स्वास्थ्य अमला तो व्यवस्था में लगे, वहाँ दूसरी ओर SDM को स्वयं मैदान में उतर के व्यवस्था संभालना पड़ रही है। अगर आप देखेंगे कोरोना के संबंध में SDM जो है अपने विभाग के अंदर के वो टास्क फोर्स के प्रभारी हैं, और ये केवल व्यवस्था संभालने के लिए नहीं, उनकी जवाबदारी भी है, ये मेरी भी जवाबदारी है, मैं जिला टास्क फोर्स का अध्यक्ष हूँ। तो वैक्सीनेशन या कोरोना केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं मूल विभाग है, हमको करना चाहिए। पर मैंने समस्त राजस्व अधिकारियों को, सारे SDM को, जो जनपद पंचायतों को, PMO को, महिला बाल विकास अधिकारी को, सभी को आज इस काम में लगा। सर, पिछले 10 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर अंदर न तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान है, न ही कई बुजुर्ग मास्क में दिख रहे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे। मतलब ये सभी लोगों को ये बात समझना चाहिए कि पूरे प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से कोरोना के केस अपने चरम पर आ चुका है, और देवास जिले में आज 18 केसेस आए हैं। यद्यपि हमने लगभग 2,000 लोगों की सैंपलिंग की थी और पॉजिटिविटी रेट 1 से भी कम है, फिर भी हमें कुछ संकेत इस बात से लेना चाहिए कि कोरोना के मरीज़ हैं, आज नहीं तो इसकी पॉजिटिविटी रेट भविष्य में आगे बढ़ेगी। इंदौर में और उज्जैन में ऑलरेडी बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस हमको देखने को मिले हैं, और ये केवल प्रशासन को ही नहीं पब्लिक को भी अब इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कोरोना से बचना है तो 3 ही उसके उपाय हैं। एक तो अगर आप बात हैं तो अपना वैक्सीनेशन कराएँ, दूसरा हमेशा चाहे वैक्सीनेशन करा भी चुके हों तो मास्क लगा करके रखें, और यथासंभव 6 फीट की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सर, जिस तरह से जो केस बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इंदौर में जिस तरह से देवास में भी रात में देखिए, शासन के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, जो कर्फ्यू जैसा शब्द है वो इंदौर, जबलपुर और जो 4 बड़े शहर हैं उनके लिए है, क्योंकि केस लोड देवास में इतना नहीं है, देवास उन 12 शहरों में भी नहीं है जहां पे प्राथमिकता के आधार पर किया। देवास में एक चीज़ है कि
ऑलरेडी यहाँ 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, सुबह 6 बजे के बाद ही खुलती हैं। हम लोग व्यापारियों से चर्चा करके इस व्यवस्था को बनाए रखें, तो भले हम इसको कर्फ्यू ना करें, 10 बजे से दुकानें सामान्यतः बंद ही रहती हैं। ठीक सर, ठीक है सर। ये यानी देवास में बताया जा रहा है कि कल देवास में कर्फ्यू लगाने का तरीका सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि देवास अभी उतना सेंसिटिव जिलों में नहीं है। पूरे अगर अन्य जिलों में देखेंगे, एक दिन में जहां पे 200-300 केस आते हैं, अभी तक जब से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, कुल हमारे पास 48 एक्टिव केसेस हैं, और सब दिन के मिला करके तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पर निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले कहा कि सबको अपना बचाव करना चाहिए, मास्क हमेशा लगा करके रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना चाहिए, और जिनके भी घर में 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको स्वतः रुचि लेकर के उनको ला के हमारे जो 35 वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके अनिवार्य वैक्सीन लगवाना चाहिए। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।